नमस्कार साथियों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। तो अपन दोस्तों बात कर रहे थे मिल्क के बारे में, मिल्क के प्रकार पढ़े थे अपन ने, फिर उसके गुणवत्ता पाश्चुरीकरण के बारे में पढ़ा था, निर्जमीकरण के बारे में पढ़ा था और अपक्षितन के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद में दूध का समांगीकरण किस प्रकार से करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। उसके बाद में आज जो अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है बेटा दूध की गुणवत्ता, दूध की गुणवत्ता वे परीक्षण, दूध की गुणवत्ता वे परीक्षण, यानी दूध की गुणवत्ता का पता किस प्रकार से करते हैं और कौन कौन से परीक्षण इसके अंदर किए जाते हैं, तो ये चीज़ आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो दूध की जो गुणवत्ता की जो जांच की जाती है या गुणवत्ता व परीक्षण जो किया जाता है वे किस प्रकार से किया जाता है, तो अपन बात करेंगे इसकी। तो सबसे पहले आपको जो डालना है, दूध की जो परीक्षण किया जाते हैं, एक तो होता है चबूतरे के परीक्षण, चबूतरे के जो परीक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। तो चबूतरे के परीक्षण की बात करें तो इसमें लिखना चबूतरे के परीक्षण दूध की फैक्ट्री में, फैक्ट्री दूध की फैक्ट्री पर संसाधित करने से पूर्व, दूध की फैक्ट्री पर संसाधित करने से पूर्व दूध के ताजेपन एवं ताजेपन एवं शुद्धता का पता लगाने के लिए, किए गए परीक्षण, किए गए परीक्षण चबूतरे के परीक्षण कहलाते हैं। चबूतरे के परीक्षण चबूतरे के परीक्षण कहलाते हैं। यानी दूध की जो फैक्ट्री होती है उस पर अपन को पता है कि भाई दूध का प्रोसेसिंग तो अपन करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उसको संसाधित करने से पहले दूध को अपन उसकी शुद्धता के बारे में और उसके ताजापन के बारे में जो परीक्षण अपन करते हैं उन परीक्षणों को कहा जाता है बेटा चबूतरे के परीक्षण। अब चबूतरे के जो परीक्षण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो लिखना चबूतरे के परीक्षण होते हैं दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो लिखना ज्ञानेंद्रियों द्वारा और दूसरा होता है सीओबी टेस्ट ज्ञानेंद्रियों द्वारा, और एक होता है सीओबी टेस्ट। बात करें सीओबी टेस्ट की और ज्ञानेंद्रियों की, तो
तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो परीक्षण किए जाते हैं, तो ज्ञानेंद्रियों के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो पहले डालना आप ज्ञानेंद्रियों द्वारा द्वारा परीक्षण, ज्ञानेंद्रियों द्वारा परीक्षण। तो ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से, ज्ञानेंद्रिय का मतलब होता है अपने जो आँख है, नाक है या फिर मुंह है, इनके माध्यम से अपन दूध को किस प्रकार से देख सकते हैं, स्वाद कर सकते हैं और या चख कर किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों के अंदर दूध तीन प्रकार से अपन दूध का टेस्ट देख सकते हैं बेटा। तो इसी के अंदर जो पहला होता है वो है एक तो दर्शन, दर्शन करके का मतलब देख कर पता लगाना, देख कर पता लगाना, देख कर पता लगाना। दूसरा होता है स्वाद, स्वाद तो इसमें लिखना चख कर पता लगाना, चख कर पता लगाना। एक होता है बेटा सूंघ कर पता लगाना, यानी दूध का जो टेस्ट होता है उसको अपन स्वाद करके चख सकते हैं, और उसे अगर दूध के अंदर स्मेक आ रही है, गंध आ रही है, तो अपन उसके सूंघ कर, जैसे स्मेक आ रही तो किससे पता लगा सकते हैं, सूंघ कर पता लगा सकते हैं। और अपन जैसे कोई दूध खराब है तो वो अपनी आंखों से देखकर भी उसका पता लगा सकते हैं कि ये दूध क्या है, खराब है। तो इस ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपन दूध का पता लगा सकते हैं, भाई दूध सही है या फिर खराब है। तो इसी को बोलते हैं बेटा चबूतरे के परीक्षण। ये तो हो गया ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से दूध को देखना। दूसरा जो होता है, दूसरा सीओबी टेस्ट। अब सीओबी टेस्ट की जो सीओबी की जो फुल फॉर्म होती है वो होते बेटा क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट, क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट, क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट, बॉइलिंग टेस्ट। यानी इसमें क्या होता है, उबालने पर दूध फट जाता है, उबालने पर दूध फटने लगता है, फटने लगता है, उबालने पर दूध फटने लगता है। सीओबी टेस्ट के अंदर, क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट के अंदर उबालने पर दूध क्या होता है, फटने लगता है। ये आपको इसके अंदर याद रखना है कि भाई उबालने पर दूध इसमें फटने लगता है। अब क्लॉट टेस्ट की बात करें, सीओबी टेस्ट की बात करें, तो ये अपन को किस चीज का पता लगाता है, ये अपन को इसके अंदर याद रखना है। सीओबी जो टेस्ट करते हैं अपन, सीओबी जो टेस्ट करते हैं बेटा, ये दूध के अंदर अम्लता और एक होता है खीस, इनके बारे में पता लगाने के लिए कि भाई दूध के अंदर अम्लता कितनी परसेंट है या फिर खीस कितना परसेंट है, इसलिए अपन इन दोनों का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, सीओबी टेस्ट करते हैं। तो इसमें लिखना दूध में अम्लीयता व दूध में अम्लीयता व खीस का, दूध में अम्लीयता व खीस का पता लगाने के लिए, पता लगाने के लिए, पता लगाने के लिए दूध में अम्लता व खीस का पता लगाने के लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं, सीओबी टेस्ट करते हैं। ये आपको इसमें याद रखना है। अगर दूध की बेसिक अम्लता की बात करें या प्राकृतिक जो अम्लता पाई जाती है, तो
तो वो आपको याद रखनी, दूध के अंदर प्राकृतिक जो अम्लता रहती है बेटा, प्राकृतिक अम्लता यानी नेचुरल एसिडिटी पाई जाती है, वो 0.16 से लेके, सॉरी 0.14 से लेके 0.16% पाई जाती है। उस दिन भी मैंने बताया था दूध के भौतिक गुणों के अंदर, ये क्वेश्चन हमें, ये पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था कि दूध की जो भौतिक गुणों, भौतिक दूध की जो प्राकृतिक अम्लता है वो कितनी है, 0.14 से लेके 0.16 होती है। तो ये चीज़ उस टाइम पे मैंने आपको डिस्कस की थी और भौतिक गुणों के अंदर लिखवाया भी था। तो आप तो दूध में अम्लता की बात करें, अम्लता कितनी होती है, 0.14 से लेके 0.16% अम्लता पाई जाती है दूध के अंदर नेचुरल से। और दूध, एक और लिखना बेटा, दूध घोलने का यंत्र, दूध घोलने का जो यंत्र रहता है यानी जिससे अपन दूध को घोलते हैं वो, उसको बोलते हैं मिल्क प्लेंजर, मिल्क प्लेंजर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, मिल्क प्लेंजर के नाम से जाना जाता है। दूध घोलने का जो यंत्र रहता है उसे बोलते हैं मिल्क प्लेंजर के नाम से जाना जाता है, मिल्क प्लेंजर कहते हैं। ये आपको याद रखने, दूध घोलने का जो यंत्र रहता है उसे मिल्क प्लेंजर कहते हैं, मिल्क प्लेंजर के माध्यम से दूध को घोला जाता है। फिर ये तो हो गया कि भाई जो सीओबी जो टेस्ट है, क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट करते हैं, उबालने पर दूध फटने लगता है, तो किसके कारण दूध फटने लगता है बेटा, एक तो उसके अंदर अगर अम्लता ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक दूध फटने लग जाएगा, और अगर उसमें खीज की मात्रा ज़्यादा होगी तब भी दूध फटने लग जाएगा, ध्यान रखना इसका। अब अम्लता परीक्षण किस प्रकार से करते हैं, तो अम्लता परीक्षण स्टार लगा करके ना, अम्लीयता परीक्षण, अम्लीयता परीक्षण की बात करें, अम्लीयता परीक्षण तो इसमें लिखना अम्लीयता परीक्षण इसमें लिखना बेटा, दूध में दो प्रकार की अम्लीयता पाई जाती है, दूध में दो प्रकार की अम्लीयता पाई जाती है, पाई जाती है, दूध में दो प्रकार की अम्लीयता पाई जाती है। एक तो होती है प्राकृतिक, एक तो होती है प्राकृतिक अम्लीयता और एक होती है विकसित अम्लीयता यानी नेचुरल एसिडिटी, नेचुरल एसिडिटी और एक होते हैं आर्टिफिशियल एसिडिटी, नेचुरल एसिडिटी और विकसित अम्लता। यानी दूध के अंदर बेटा दो प्रकार की अम्लता पाई जाती है, एक तो होती है आर्टिफिशियल और एक होती है विकसित। अब बात करें प्राकृतिक जो अम्लता होती है, प्राकृतिक अम्लता की बात करें तो प्राकृतिक जो अम्लता होती है, प्राकृतिक या नेचुरल, वो प्राकृतिक जो अम्लता होती है वो बेटा CO2 केसिन
साइट्रिक फास्फोरस सीओ टू केसिन साइट्रिक और फास्फोरस और एक होती है एल्बुमिन सीओ टू केसिन साइट्रिक फास्फोरस और एल्बुमिन। यानी ये नेचुरल रूप से आपको पता है कि सीओ टू गैस दूध के अंदर उपस्थित होती है और केसिन और एल्बुमिन क्या है बेटा, ये दोनों के दोनों आपको पता हो तो दोनों के दोनों क्या है, दूध की प्रोटीन है और जिसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती केसिन और एक होती है एल्बुमिन और एक होती है लेक्टोग्लोबुलिन की बात करें तो ये दोनों उस टाइम पे भी लिखवाया था कि ये दोनों पाई जाती है 20%, यानी ये दोनों तो पाई जाती है 20% और दूध का सफ़ेद रंग के दो या केसिन की प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 80%। तो इनके माध्यम से दूध के अंदर क्या आती है, प्राकृतिक अम्लता यानी नेचुरल रूप से दूध का फटना, वो किस किस कारण से फटता है, तो उसके अंदर जो दूध के अंदर क्या क्या पाया जाता है यानी प्रोटीन और सीओ टू गैस पाई जाती है और साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है दूध के अंदर खनिज लवण के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम वे फास्फोरस पाया जाता है। तो नेचुरल रूप से जो दूध है वो फटने का कारण यही है बेटा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नेचुरल जो एसिडिटी आती है दूध के अंदर वो किसके कारण आती है, तो ये याद रखना कि सीओ टू एल्बुमिन और केसिन और साइट्रिक अम्ल के माध्यम से आती है। प्राकृतिक अम्लता की बात करें दूध के अंदर, प्राकृतिक जो अम्लता होती है, प्राकृतिक अम्लता तो मैंने ऊपर भी लिखवाया था, प्राकृतिक जो अम्लता होती है 0.14 से लेके 0.16% होती है प्राकृतिक अम्लता दूध के अंदर। ये आपको याद रखना है कि दूध का प्राकृतिक अम्लता किस किस से आती है और कितनी होती है। उसके बाद में दूसरी है विकसित अम्लता की बात करें तो विकसित अम्लता को आपको याद रखना है दुग्धम दुग्धम और दुग्धम को क्या बोलते हैं बेटा, लैक्टोज। तो दुग्धम या लैक्टोज का दुग्धम का या लैक्टोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होती है। यानी विकसित जो अम्लता होती है आर्टिफिशियली एसिडिटी, वो क्या होता है आपको पता है कि दूध के अंदर एक कौन सा पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट को अपन क्या बोलते हैं, दुग्धम भी बोलते हैं और लैक्टोज भी बोलते हैं। अब ये जो लैक्टोज होता है या दुग्धम होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, दो प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं दूध को किण्वन करने के लिए आपको पता है। एक तो पाया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस और एक होता है या लैक्टोबैसिलस। इन दोनों जीवाणुओं के द्वारा दूध का क्या हो जाता है, फर्मेंटेशन हो जाता है, किण्वन हो जाता है, किसका, लैक्टोज का। तो लैक्टोज किसमें परिवर्तन हो जाता है, लैक्टिक अम्ल के अंदर किसमें परिवर्तन हो जाता है,
लैक्टिक अम्ल के अंदर परिवर्तन हो जाता है, जिससे क्या बनता है, जिससे विकसित अम्लता उत्पन्न होती है दूध के अंदर। ये आपको याद रखना है कि दूध के अंदर विकसित अम्लता किस प्रकार से होती है, तो किन किन जीवाणु के माध्यम से होती है। तो आप लिख सकते हो बेटा, जैसे जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस वे, स्ट्रेप्टोकोकस वे, एक होता है लैक्टोबेसिलस जीवाणु द्वारा, बेसिलस जीवाणु से, जीवाणु द्वारा विकसित होती है, द्वारा यानी विकसित जो अम्लता आती है वो दूध के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस से और लैक्टोबेसिलस जीवाणु के माध्यम से उत्पन्न होती है। अगर बात करें विकसित अम्लता की, कि दूध के अंदर जो विकसित अम्लता होती है, दूध में विकसित अम्लता की बात करें, दूध में विकसित अम्लता, दूध के अंदर विकसित अम्लता की बात करें, तो आपको याद रखना है दूध के अंदर विकसित जो अम्लता होती है 0.32% होती है बेटा, 0.32% होती है। दूध के अंदर जो विकसित अम्लता होती है 0.32 होती है, ये आपको इसके अंदर याद रखना है। और अम्लता किससे कारण होती है, यानी लैक्टोज जो होता है लैक्टिक अम्ल के अंदर परिवर्तन हो जाता है। अब ये जो लैक्टोज होता है किस किस जीवाणु के माध्यम से परिवर्तन होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबेसिलस जीवाणु के माध्यम से ये क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है। तो इससे विकसित अम्लता उत्पन्न होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, दूध में अम्लीयता का मापन अनुमापन विधि के माध्यम से करते हैं, अनुमापन विधि द्वारा। अब दूध में अम्लीयता का जो मापन करते हैं वो किससे करते हैं, अनुमापन विधि द्वारा किया जाता है। यानी दूध के अंदर अम्लीयता का जो मापन करते हैं वो आपको याद रखना किसके माध्यम से करते हैं, अनुमापन विधि के माध्यम से दूध की अम्लीयता अनुमापन विधि द्वारा दूध के अंदर अम्लीयता का पता लगाते हैं। अब अम्लीयता परसेंट क्या होता है, अम्लीयता यानी अम्लीयता किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और अम्लीयता याद रखना बेटा इसकी जो इकाई है हमेशा परसेंट याद रखना, प्रतिशत के अंदर ज्ञात करते हैं। और जो अम्लीयता का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना, N/9 NaOH, ये होता है ml के अंदर, और इंटू 0.01, फिर अपन इसके अंदर जो भाग देंगे या इसको डिवाइड करेंगे वो करेंगे दूध की मात्रा किसमें है, ml के अंदर है, और इंटू करेंगे 100 से, इंटू किससे कर देंगे 100 से, तब जाके अपन को दूध का अम्लीयता का फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, N/9 NaOH कोष्ठक में ml इंटू 0.01 दूध की मात्रा ml के अंदर इंटू 100 से गुणा करने पर अम्लता आ जाती है बेटा। उसके बाद में विधि क्या होती है इसको, कि सर इसके अंदर किस प्रकार से अम्लता ज्ञात कर सकते हैं, तो विधि विधि की बात करें तो विधि के अंदर याद रखना बेटा, इस विधि से अम्लता ज्ञात करने के लिए अम्लता ज्ञात करने के लिए
अम्लता ज्ञात करने के लिए, इस विधि से अम्लता ज्ञात करने के लिए 10 ml दूध, 10 ml दूध में, 10 ml दूध में 1 ml फिनोपेथेलिन सूचक, और फिनोपेथेलिन सूचक इसको बोलते हैं इंडिकेटर, इंडिकेटर, इंडिकेटर। इस विधि से अम्लता ज्ञात करने के लिए 10 ml दूध में 1 ml फिनोपेथेलिन सूचक, फिनोपेथेलिन सूचक 1 ml फिनोफेथेलिन सूचक, फिनोफेथेलिन सूचक मिलाते हैं, मिलाते हैं। और इसमें, और इसमें एन ए ओ एच क्षार की बूंद बूंद मात्रा, बूंद बूंद मात्रा डालकर, बूंद बूंद मात्रा डालकर हिलाते हैं, हिलाते हैं, बूंद बूंद मात्रा डालकर हिलाते हैं, जिससे 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 दूध का रंग, जिससे दूध का रंग हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी हो जाता है, हो जाता है। और यह बिंदु, और यह बिंदु अम्लता, अम्लता का, और यह बिंदु अम्लता का, या इस बिंदु पर अम्लता का पाठ्यांक नोट कर लिया जाता है, पाठ्यांक नोट कर लिया जाता है या ज्ञात कर लिया जाता है, कर लिया जाता है। इस प्रकार से अपन इस विधि के माध्यम से बेटा दूध की अम्लता का परीक्षण कर सकते हैं, दूध का अम्लता ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो आपसे पूछेगा कि भाई अम्लता ज्ञात करने के लिए आप तो जैसे अम्लता ज्ञात करते हो तो उसी के अंदर कितनी परसेंट दूध की मात्रा लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि 10 ml, 10 ml उसके अंदर दूध की मात्रा काम लेते कितनी, 10 ml, और 1 ml फिनोप्थेलिन सूचक काम में लेते हैं, कितना 1 ml फिनोप्थेलिन सूचक काम में लेते हैं, और दूध की मात्रा कितनी लेते हैं 10%। अब इसी के अंदर अम्लता ज्ञात करने के लिए अपन इसी दूध का जो रंग हो जाता है, यानी ये NOH मिलाने पर, इस जो विलयन रहता है इसके अंदर NOH मिलाने पर इस दूध का जो रंग हो जाता है वो हल्का गुलाबी हो जाता है, और इसी बिंदु को अपन बोल सकते हैं कि भाई ये अम्लता का पाठ्यांक होता है, इसको अपन नोट कर लेते हैं। ये इसके अंदर आपको याद करनी है, उसके बाद में फॉर्मूला याद करना है, फिर जो रीडिंग आती है बेटा ब्यूरेट और पिपेट के अंदर उस रीडिंग को अपन नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद में इस फॉर्मूले के अंदर जमा देते हैं, भाई NOH कितना ml आया उसकी रीडिंग, हल्का गुलाबी यानी कितनी ml पर वो रीडिंग आई, जैसे 15 पे, 10 पे या 25 पे, फिर उससे 0.01 से गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद में कि भाई दूध की मात्रा आपने कितनी ली थी, तो 10 ml, तो 10 ml इंटू कितना
100 कर देंगे जिससे अमलता अपन याद कर सकते हैं। फिर अगर ये चीज़ करने के बाद दूध कैसा होता है, हल्का गुलाबी हो जाता है। अब इसी हल्के गुलाबी के अंदर अमल या छार मिला देते हैं, अमल वे छार मिलाने पर, अमल वे छार मिलाने पर उदासीन हो जाता है, उदासीन हो जाता है, उदासीन हो जाता है। यानी दूध क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। या तो अमल मिला दो या फिर क्षार मिला दो, तो उससे दूध की अम्लता ज्ञात कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है, ये तो इस प्रकार से तो दूध के अंदर अम्लता ज्ञात की जाती है। और जो नेक्स्ट है, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना। स्टार लगा लिख लो, दूध का अपेक्षित, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना। यानी बेटा, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना, यानी एक बार तो अपेक्षित घनत्व क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे। यानी अपेक्षित घनत्व का मतलब क्या होता है, तो अपेक्षित घनत्व की बात करें तो किसी वस्तु के इकाई आयतन, किसी वस्तु के इकाई आयतन के भार की तुलना पानी के किसी वस्तु के इकाई आयतन के भार की तुलना पानी के इकाई आयतन के भार से करने को अपेक्षित घनत्व कहा जाता है, अपेक्षित घनत्व कहा जाता है, अपेक्षित घनत्व कहा जाता है। अब भाई, अपेक्षित घनत्व किसे कहते हैं, यानी कोई भी वस्तु ले लो बेटा, उसके जो इकाई आयतन भार है उसकी तुलना किससे करते हैं, जल से, जल के इकाई आयतन भार से करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, अपेक्षित घनत्व कहते हैं। अगर बात करें कि भाई शुद्ध पानी का इकाई आयतन भार कितना होता है, तो शुद्ध पानी का इकाई इकाई आयतन शुद्ध पानी का इकाई आयतन का भार सदैव एक होता है, सदैव एक होता है। शुद्ध पानी का इकाई आयतन का भार सदैव क्या होता है बेटा, एक होता है। ये आपको याद रखना है कि शुद्ध पानी का जो इकाई आयतन भार है वो कितना होता है, एक। अब जो दूध का जो अपेक्षित घनत्व क्यों ज्ञात करते हैं, इसका कारण क्या है, तो दूध का जो अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं, तो या तो अपन ज्ञात करेंगे कि भाई दूध के अंदर पानी की मिलावट है कि नहीं है, और दूसरा होता है सेपरेटा दूध की मिलावट है के नहीं है। यानी इन दोनों का पता लगाने के लिए अपन दूध का क्या करते हैं, अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। तो दूध का जो अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं वो क्यों करते हैं, तो लिखो, दूध में पानी की मात्रा, दूध में पानी की
पानी की तथा तथा सेपरेटा दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए दूध में पानी की तथा सेपरेटा दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि दूध का अपेक्षित घनत्व क्यों ज्ञात किया जाता है। फिर बात करें कि भाई अपेक्षित घनत्व तो अपन ने कर लिया सर कि भाई पानी और सेपरेटा दूध का पता लगाने के लिए, लेकिन अपेक्षित जो घनत्व है वो किस यंत्र से का यानी किस यंत्र का काम में लिया जाता है अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए। तो इसी के अंदर लिखना दूध का अपेक्षित घनत्व, दूध का अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर द्वारा दूध का अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है या ज्ञात किया जाता है। लैक्टोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। लैक्टोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके माध्यम से? लैक्टोमीटर के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। लैक्टोमीटर एक प्रकार का हाइड्रोमीटर होता है। लैक्टोमीटर एक प्रकार का हाइड्रोमीटर होता है जिसमें जिसमें 0 से 40 तक ऊपर से नीचे की ओर निशान बने होते हैं। लैक्टोमीटर एक प्रकार का क्या होता है बेटा? हाइड्रोमीटर होता है जिसमें 0 से लेके 40 तक ऊपर से नीचे की ओर निशान बने होते हैं। यानी लैक्टोमीटर इस प्रकार का होता है। अब जो लैक्टोमीटर है इसमें इस प्रकार से अंक दर्शाए जाते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी एंड तक कितने तक रहते हैं? 40 तक, और ऊपर से लेके नीचे की ओर यानी ऊपर से नीचे की ओर निशान बने होते हैं। इसके माध्यम से दूध का क्या करते हैं अपन? लैक्टोमीटर अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। किसके माध्यम से? लैक्टोमीटर के माध्यम से। अब क्यों करते हैं? क्योंकि आपको बता रखा है कि भाई इसलिए करते हैं क्योंकि दूध में पानी की मात्रा का और सेपरेटा दूध की मिलावट ज्ञात करने के लिए अपन ज्ञात करते हैं। फिर लैक्टोमीटर के फिर एक और लिखना बेटा ताजे दूध का, सॉरी इसमें लिखना दूध में पानी मिलाने पर अपेक्षित घनत्व
दूध में पानी मिलाने पर अपेक्षित घनत्व कम हो जाता है, कम हो जाता है, जबकि सेपरेटा दूध मिलाने पर सेपरेटा दूध मिलाने पर अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है, अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है। यानी बेटा दूध के अंदर अगर आप पानी मिलाते हो तो उसका अपेक्षित घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन अगर दूध के अंदर आप सेपरेटा मिल्क मिलाते हो तो उसका अपेक्षित घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वो एग्जामिनर पूछेगा कि अगर दूध के अंदर पानी मिलाते हैं तो अपेक्षित घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके अंदर याद रखना, इसके अंदर तो अपेक्षित घनत्व क्या हो जाता है, कम, और इसके अंदर अपेक्षित घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। सेपरेटा मिलाएंगे तब तो बढ़ेगा और पानी मिलाएंगे तो कम होगा, ये इसके अंदर आपको याद रखना है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी है, कि ताजे दूध जो रहता है, जैसे अपन एनिमल्स से दूध निकालते, पशुओं से दूध निकालते हैं, तो उस टाइम पे अपन अपेक्षित घनत्व क्यों ज्ञात नहीं करते हैं। तो आपको याद रखना कि भाई जैसे कोई एनिमल्स का ताजा दूध है, उस टाइम पे अपन उनका अपेक्षित घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी ज्ञात नहीं करते। उसका मेन रीजन या मेन कारण की बात करें तो उस टाइम पे याद रखना कि उस टाइम पे क्या बेटा, CO2 गैस निकलती है। तो CO2 गैस होने के कारण अपन तुरंत दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात नहीं करते, इसके 1 घंटे बाद में अपन दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। तो इसमें लिखना है, ताजे दूध में CO2 की मात्रा ताजे दूध में CO2 की मात्रा या CO2 CO2 ताजे दूध में CO2 की उपस्थिति के कारण तुरंत अपेक्षित घनत्व ज्ञात नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ताजे दूध के अंदर क्या पाया जाता है, CO2 क्या रहे हैं, गैस है। CO2 गैस की उपस्थिति के कारण तुरंत अपेक्षित घनत्व ज्ञात नहीं करते हैं। और अपेक्षित घनत्व कब ज्ञात करते हैं, दूध निकालने के 1 घंटे पश्चात अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। ये आपको इसके अंदर याद रखना है कि 1 घंटे बाद में अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। ये तो हो गया बेटा अपेक्षित घनत्व। अब अपेक्षित घनत्व जो ज्ञात करते हैं तो लैक्टोमीटर के अंदर क्या पढ़ते हैं अपन, तो लैक्टोमीटर यानी अपेक्षित घनत्व जो ज्ञात करते हैं वो अपन उस लैक्टोमीटर के अंदर क्या देखते हैं, तो लैक्टोमीटर में दूध का
मापन, अर्धचंद्रक के पाट्यांक को पढ़ा जाता है। पाट्यांक यानी अर्धचंद्रक के ऊपरी तल को, ऊपरी तल को पढ़ा जाता है। ऊपरी तल को पढ़ा जाता है, ऊपरी तल को पढ़ा जाता है। लैक्टोमीटर में दूध का जो मापन है वो अर्धचंद्रक के ऊपरी तल को पढ़ा जाता है। अब इसके अंदर जो लैक्टोमीटर के अंदर जो रीडिंग आती है बेटा, उसके इस प्रकार से अर्धचंद्रक का मतलब होता है यानी आधा चंद्रमा की तरह दूध बनता है यूं, तो उसके ऊपरी तल को पढ़ते हैं, निचले तल को नहीं पढ़ते। इसको बोलते हैं अर्धचंद्रक, अर्धचंद्रक का ऊपरी तल। तब जाके इस रीडिंग को अपन ज्ञात करते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर लैक्टोमीटर जो मान रहता है या अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, 2018 की, ओ सॉरी 2021 की वैकेंसी में पूछा था, अपेक्षित घनत्व से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। तो अपेक्षित घनत्व की बात करें तो अपेक्षित घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है, 1+CLR/1000, यानी 1+CLR/CLR/1000 के माध्यम से ज्ञात करते हैं। अगर CALR की बात करें तो इसकी होती है करेक्ट लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर रीडिंग, करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग, यानी जो फिक्स जो रीडिंग आती है उसको अपन इसके अंदर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोई गाय है, उस गाय के दूध का जो लैक्टोमीटर जो रीडिंग आपने ली उसकी 28 रीडिंग है, तो गाय का जो दूध है, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होगा, कितना होगा। तो आपको क्या ज्ञात करना है कि भाई अपन को लैक्टोमीटर की जो रीडिंग है CLR कितनी है, 28 है, तो CLR कितनी है, 28। और जब ये चीज आपको मेन है कि 28 है, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, CLR तो अपन को दे दी 28, तो अपन 1+ कितनी है, 28/1000, कितना है, 1000। अब सबसे पहले तो आप इसके अंदर भाग दोगे कि भाई इसके अंदर कितना आ जाएगा, यानी इन दोनों को तो जोड़ना मत, सबसे पहले करेंगे इन दोनों का भाग। तो इसके अंदर अपन भाग देंगे 1000 में 28 का भाग देंगे तो बेटा 0.028 के समथिंग आएगा। 0 पॉइंट यानी 3 के बाद बिंदु लगा देना, 0 3 0 है तो 0.028। अब 0.028 के अंदर क्या जोड़ेंगे अपन, 0.01+0.28, तो कितना आ जाएगा, 1.28 आ जाएगा। ये हो गया दूध का अपेक्षित घनत्व। जैसे कोई का 40 दे दिया, CLR का मान कितना दे दिया, 40, तो CLR का मान कितना दे दिया है, 40 दे दिया है, तो 40 दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से करोगे, CLR का मान कितना है, 40, तो 1+14/1000। अब डायरेक्ट आपको याद रखना कितनी जीरो, 3 जीरो, तो 40 लिख दो, 1 जीरो लिख दो, फिर पॉइंट लगा दो, फिर 0। तो इसके अंदर अब एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.040 क्या आ गया है, अ रिलेटिव डेंसिटी, ये रिलेटिव डेंसिटी होगी इसकी, इसकी 40 की। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूले याद रखने की, रिलेटिव डेंसिटी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। और ये बेटा क्वेश्चन जो आया है
2021 के अंदर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा था CLR के अंदर, लैक्टोमीटर के अंदर से। फिर बात करें, ये तो हो गया CLR। अब अलग अलग पशुओं के लिए अलग 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 वो होती है CLR की मात्रा। तो एक छोटी सी सारणी है CLR की मात्रा, तो एक तरफ लिखना क्रम संख्या, क्रम संख्या, और इधर लिखना पशु का नाम, पशु का दूध, और इधर लिखना लेक्टो, लेक्टो, लेक्टोमीटर मान, या लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर, लेक्टो मीटर मान, या लेक्टोमांस, लेक्टोमांस लिखना, लेक्टो मीटर मांस। और एक होता है बेटा अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित, अपेक्षित, अपेक्षित घनत्व, ये इसके अंदर आपको याद रखना है अपेक्षित घनत्व। अब लेक्टोमीटर मान की अपेक्षित घनत्व की बात करें, तो एक तो गाय का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, सेपरेटा मिल्क, सेपरेटा दूध, और एक होती है बसा, 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 खीस, प्रोटीन और लैक्टोज, लैक्टोज। अगर बात करें कि गाय का जो दूध होता है उसका जो लैक्टोमीटर जो मान होता है, लैक्टोमीटर के अंदर जो मान आता है वो आता है 28 से लेके 13, 28 से लेके 30। और भैंस के लैक्टोमीटर की बात करें तो इसमें आता है बेटा 30 से लेके 32। और सेपरेटा जो दूध होता है उसका आता है 34 से लेके 37 होता है। और बसा का कोई लैक्टोमीटर मान नहीं है, और खीस का भी नहीं है, और प्रोटीन का भी नहीं है, और लैक्टोज का भी नहीं है। फिर इनका जो लैक्टोमीटर जो अपेक्षित घनत्व की बात करें, गाय के दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है, तो वो आपको याद रखना है कि गाय के दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो एक पॉइंट, देखो इलेक्ट्रोमीटर मान कितना है एक 28, तो 1.028 से लेके 1.030, 1 + 28 इसके देखो तो कितना आएगा 0.022, 0.028। अब इसके अंदर एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1.028, और इसके अंदर 30 के अंदर एक जोड़ देंगे तो कितना 1.030। इसी प्रकार से भैंस का, तो भैंस का कितना है 30, तो 1.030 से लेके 1.302 इसका लैक्टोमीटर मान होता है। सेपरेटा दूध की बात करें तो आपको फिक्स जो याद रखना 0.37 इसका लैक्टोमीटर मान होता है। बसा के लैक्टोमीटर की बात करें तो 0.93% होता है, 0.93। उसके बाद में खीस की बात करें तो खीस का जो लैक्टोमीटर जो मान होता है, तो याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1.040 से लेके 1.080 तक इसका लैक्टोमीटर अपेक्षित घनत्व होता है। किसका? खीस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 0.040 से लेके 0.80। फिर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का जो अपेक्षित घनत्व होता है 1.34, और लैक्टोज की बात करें तो इसका अपेक्षित घनत्व होता है 1.66 होता है। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी कि इनके अपेक्षित घनत्व कितने कितने होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। अब किस प्रकार से निकालोगे,
ये देखो गाय और भैंस का तो आप 1+CLR के माध्यम बटा 1000 के माध्यम से ज्ञात कर सकते हो। 28 याद रखना कि यानी 1000 का भाग दोगे 28 के अंदर तो 3 जीरो के बाद में, 3 अंक के बाद में क्या लगा दोगे, पॉइंट। तो उस प्रकार से यहाँ का इसका मान आ जाएगा कि 1.1.028 से लेके 1.030 तक हो जाएगी। फिर भैंस की बात करें तो भैंस का भी कितना आ जाएगा, 30 से लेके 32, तो 1.030 से लेके 1.032, ये आपके अंदर इसके इसी प्रकार से आपको शुद्ध गणित तो याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और अपन कल पढ़ लेंगे। थैंक यू।